So good morning students, today we are going to start with one new topic, that is basic information about the cell. Okay, so without wasting the time, let's start. So today we are going to discuss about the cell. So cell, what is cell? Cell is a structural and functional unit of life. ठीक है, जो सेल होती है वो हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. एंड स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी. ठीक है, सो सेल क्या क्या बना सकती है, ठीक है, सेल के कॉम्पोजिशन से क्या क्या बन सकता है वो हम यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे. ओके, तो सिमिलर सेल, ओके, सो सिमिलर टाइप ऑफ सेल विच परफॉर्म एवरी फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर मेक्स अ टिश्यू. ठीक है, अभी तक हम ये पढ़ते आए थे कि सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल मेक्स अ टिश्यू. ठीक है, बट बेटा थोड़ा यहाँ पे डेफिनेशन चेंज करो. आप देखो अपना परसेप्शन जो है वो इसके बारे में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए कि कभी भी ग्रुप ऑफ सेल जो है वो टिश्यू नहीं बना सकता. क्लियर? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने छोटे से डायग्राम रफली ड्रॉ कर रखे हैं. दिस इज ऑल्सो द सेल, एग सेल, नर्व सेल, स्पर्म एंड अमीबा. दीज ऑल ऑफ आर द सेल, बट दे कैन नॉट मेक अ टिश्यू. वाई? बिकॉज दे आर डिफरेंट इन देयर साइज एंड शेप एंड दे हैव देयर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन. सो दीज कैन नॉट मेक अ टिश्यू. ओके, सो वट इज टिश्यू? तो सिमिलर सेल प्लस जब वो वर्क करेंगे इन कोऑर्डिनेटेड मैनर दे विल मेक अ टिश्यू. और टिश्यू से हमारा क्या बनता है? ऑर्गन बनता है. एंड ऑर्गन से हमारा बनता है ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम हमारा बनाता है ऑर्गेनिज्म. एंड ऑर्गेनिज्म हमारा बनाता है पॉपुलेशन. और पॉपुलेशन से बनती है कम्युनिटी. एंड कम्युनिटी से बनता है हमारा इकोसिस्टम. व्हाट इज इकोसिस्टम? द सिस्टम इन विच लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स आर एग्जिस्ट नोन एज द इकोसिस्टम. और इकोसिस्टम के बाद हमारा बनता है बायोम्स और लैंडस्केप. एंड उसके बाद हमारा बनता है बायोस्फीयर और इकोस्फीयर. क्लियर? सो बेसिकली सेल का कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो सेल इज़ मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज. सेल जो है वो हमारी किसकी बनी हुई होती है? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज की. ठीक है, एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम्स एंड गोल्गी एपरेटस होते हैं दीज आर द पार्ट्स ऑफ सेल नॉट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल. क्लियर? अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने एक रफली ड्रॉ की है, एक सेल है. एंड सेल इज़ मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज. तो जब हमारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलते हैं वो हमारे बनाते हैं सेलुलर पूल. और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो हमारे होते हैं बायो मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ये सेलुलर पूल और बायो मॉलिक्यूल्स जो है वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज़ बायो मॉलिक्यूल्स. ओके, सो नेक्स्ट परसेप्शन जो आपका सेल के बारे में बना वो हम ये भी बोल सकते हैं कि सेल इज मेड अप ऑफ द बायो मॉलिक्यूल्स. क्लियर? अब हम देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने बताया, ठीक है, कब बताया. ठीक है, तो इन 1883 शिल्डन एक हमारे साइंटिस्ट थे. ठीक है, तो वो कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट. तो बॉटनिस्ट का वर्क क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ प्लांट, प्लांट के बारे में स्टडी करना, तो वो बॉटनिस्ट होते हैं हमारे. तो इन्होंने हमें बताया कि जो सभी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये सभी कंपोज होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से. ठीक है, तो शिल्डन कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट. और 1883 में शिल्डन टेल्स अस दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल. ओके, सो आफ्टर दैट इन 1839 श्वान, हुई श्वान, श्वान इज ए ब्रिटिश जोलॉजिस्ट. ओके, तो जोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि जो एनिमल की स्टडी करते हैं उनको जोलॉजिस्ट बोला जाता है. ओके, तो इन 1839 श्वान एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल. इन्होंने बोला कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल के बने हुए होते हैं. ठीक है, अब शिल्डन ने बोला कि प्लांट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल के बने होते हैं, और जो हमारे श्वान थे उन्होंने बोला कि एनिमल्स डिफरेंट काइंड्स के सेल्स के बने हुए होते हैं. ठीक है, तो शिल्डन और श्वान की जो थ्योरी थी वो कंक्लूड करके बनाई गई हमारी सेल थ्योरी. ओके, अब सेल थ्योरी तो बना दी इन्होंने, बट कुछ यहाँ पर कुछ इनके ड्रॉबैक्स रहे. तो क्या था वो ड्रॉबैक? वो ये था कि दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन्स हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड. इस थ्योरी ने ये तो बता दिया कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स या जितने भी लिविंग्स होते हैं वो कंपोज होते हैं हमारे सेल से, बट इट डिड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, कि न्यू सेल्स जो थी वो हमारी कहाँ पर बनी और कैसे बनी.
सो बेटा आफ्टर दैट 1855 में एक हमारे अदर साइंटिस्ट थे, दैट इज़ रुडोल्फ वर्चोव. इनको आर वर्चोव भी बोल दिया जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है. इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब हमारी सेल डिवाइड करती है, ठीक है, सेल डिवीज़न होगा जब भी हमारी नई सेल बनती है, तो जब हमारी सेल जो है वो डिवाइड करती है और जो न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं. कैसे? देखो यहाँ पर एक सेल है, ये सेल डिवाइड हुई, डिवाइड होके इन्होंने अपनी नई डॉटर सेल बनाई, उसके बाद ये वाली सेल डिवाइड हुई, डिवाइड होके अपनी दो न्यू डॉटर सेल बना ली, ठीक है. तो अब हम अगर यहाँ पर देखें तो ये जो हमारी न्यू सेल फॉर्म हुई है ये कहाँ से हुई है, कि जो हमारी सेल पहले से एग्जिस्ट कर रही थी वहाँ से हमारी सेल अराइज हुई है. तो यही हमें बताया आर वर्चोव ने या रुडोल्फ वर्चोव ने कि दैट द सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है. तो अपनी लैंग्वेज में इन्होंने इसको एक टर्म दी, बोला गया, एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि जितनी भी सेल बनी है वो सभी अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी है. ओके, तो अब स्विडिन स्वान भी हो गए और आर वर्चोव भी हो गए, क्योंकि स्विडिन स्वान ने भी सही थ्योरी दी थी, ठीक है, और आर वर्चोव ने ये बता दिया कि जो हमारी न्यू सेल्स अराइज हो रही हैं वो कहाँ से हो रही हैं. तो जो हमारी सेल थ्योरी थी अब उसको एक फाइनल शेप दे दी गई, और वो फाइनल शेप कैसे दी गई, कि श्वान, सिल्डिन और आर वर्चोव तीनों की थ्योरी को कॉन्क्लूड कर दिया गया और एक नई सेल थ्योरी बनाई गई. सो अकॉर्डिंग टू द न्यू सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं और सेल के ही प्रोडक्ट होते हैं. ओके, एंड सेकेंड थिंग इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो सभी सेल्स जो अराइज होती हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं, कि जो सेल पहले से ही मौजूद है उसी से ही नई सेल हमारी बनती है. तो ये दो स्टेटमेंट मिल के हमारी बनती है सेल थ्योरी. एंड आप मुझे बताइए कि सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी हमारी दी थी सिल्डिन स्वान एंड आर वर्चोव ने. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट टर्म. तो बेटा सेल का साइज जब हम देखेंगे तो सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो हमारी होती है माइकोप्लाज्मा, तो जिसकी हम अगर हम देखें कि उसके जो साइज है वो कितना होता है 0.1 mm. ओके, एंड जो लार्जेस्ट सेल होती है दैट इज़ ऑस्ट्रिच एग, दैट इज़ 12 to 15 cm. ओके, तो आज तक अगर हम किसी से ये पूछते हैं कि बेटा क्या आपने सेल देखी है, तो बच्चे क्या आंसर करते हैं कि नो, सेल इज़ ओनली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप एंड इट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज. ओके, तो आप मुझे एक बात बताइए कि ऑस्ट्रिच का एग अगर सेल है तो एनी एग वो भी तो सेल ही होगा ना, ठीक है. तो क्या आपने सेल नेकेड आइज से नहीं देखी है? देखी है, ठीक है. इसके अलावा भी और भी बहुत सारी सेल्स हैं जिनको आप नेकेड आइज से देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के, दैट इज़ सन हेम्प. सन हेम्प जिसको सन ही बोला जाता है, सन भी बोला जाता है, जिसकी चारपाई बनाई जाती है, दैट इज़ ऑल्सो द सेल एंड दिस इज़ सीन बाय द नेकेड आइज. कोकोनट फाइबर हम सभी ने देख रखा है, मैराइन एल्गी वो हमने नहीं देखी, बट कोकोनट फाइबर और सन हेम्प हमने देख रखा है. तो इनकी अगर हम लेंथ की बात करें तो दैट इज़ 1 meter. And we can see it by our naked eyes. Okay, so next term is cell shape. अब cell की shape कैसी कैसी होती है, अभी मैंने आपको बताया cell का size अगर हम देखें तो smallest cell mycoplasma, largest cell ostrich egg. अगर आपसे कोई पूछता है कि अब मुझे आप सेल के नाम बताइए जो आपने विदाउट माइक्रोस्कोप देख रखी हैं अपनी नेकेड आई से, तो दैट इज सन हेम, कोकोनट फाइबर एंड मैराइन एल्गी. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज सेल शेप. अब सेल की शेप कैसी हो सकती है बेटा, सेल की जो शेप होती है ना वो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन होती है, जैसा उनका फंक्शन होता है वैसे ही सेल की शेप हो जाती है. आरबीसी की जो शेप होती है वो हमारी बाइकॉनकेव शेप होती है, मसल्स जो सेल होती हैं उनकी स्पिंडल शेप होती है, अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उसकी इरेगुलर शेप होती है, और पैरामीशियम की स्लीपर लाइक शेप होती है, ठीक है. तो सेल शेप जो होती है वो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन ही वेरी करती है. क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ सेल. तो फर्स्ट सीन बाय द रॉबर्ट हुक, ये आप क्लास 9 से जानते हैं कि फर्स्टली सी सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है, इन द डेड सेल या कॉर्क सेल, ठीक है, एंड ही सेड इट द हनीकॉम्ब एंड लिटिल रूम लिटिल कंपार्टमेंट. और
अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्टली लिविंग सेल किसने देखी थी, तो वो हमारी देखी थी एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने। क्लियर? तो अब अगर पूछा जाता है कि डेड सेल में सेल की डिस्कवरी फर्स्टली सेल किसने देखी थी, तो वो देखी थी रॉबर्ट हुक ने, और लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखी थी, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। क्लियर? अब हम सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी अभी अभी मैंने आपको बताया था किस किसने दी थी सेल थ्योरी, सिल्डन, स्वान एंड आर वर्चोव ने। ओके बेटा, आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब जो जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना जा रही हूँ, तो वो बहुत ही एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन है जो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन क्या होती है, हमारी नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन नर्व सेल। बिगेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन एग सेल, ठीक है, एग सेल को हम ओवम भी बोलते हैं, ठीक। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन क्या होती है, हमारी स्पर्म सेल। स्पर्म सेल को क्या बोल सकते हैं, मेल जर्मिनल सेल। क्लियर? सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।